दोस्तों आज हम जानेंगे चोकर युक्त आटा खाने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्योंकि मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि चोकर युक्त आटा अगर आप खाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बना रहता है। तो दोस्तों जानते हैं कि आखिर चोकर में ऐसा क्या होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब गेहूं का आटा होता है, क्योंकि गेहूं का आटा अधिकतर घरों में खाया जाता है, बच्चे भी उसे पसंद करते हैं। आपको करना क्या है, जो गेहूं का आटा पिसवाते हैं उसे गेहूं को बढ़िया से साफ कर लीजिए, और बिना छाने हुए आटा पीसने के बाद से जब गेहूं पीस जाता है तो आटा को बिना छाने हुए आप उसकी रोटी बनाकर खाएंगे तो आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलेगा। शरीर में फाइबर की पूर्ति रहेगी तो फाइबर कमी से होने वाला रोग नहीं होगा। दोस्तों जो लोग गेहूं के आटे को बिना छाने हुए चोकर सहित खाते हैं उनके पेट में कब्ज नहीं रहता है, और जब पेट में कब्ज नहीं रहता है, पेट साफ हो जाता है, तो पेट में गैस नहीं बनती है। दोस्तों मैंने देखा है कि अगर जो लोग रेगुलर गेहूं की रोटी खाते हैं और बिना छाने हुए चोकर सहित खाते हैं तो आंतों में होने वाला घाव भी ठीक हो जाता है, आते उनका बहुत बढ़िया रहता है, पेट मुलायम होता है। अगर आप बिना छाने हुए आटे की रोटी खाते हैं, चोकर सहित रोटी खाते हैं, तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा संतुलित रहेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में जमा नहीं होगा। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स की शिकायत हो, ऐसी कंडीशन में अगर वह बिना छाने हुए आटे की रोटी खाता है, चोकर सहित अगर रोटी खाता है, तो उसे अपेंडिक्स में बहुत लाभ होता है। पाइल्स के रोगी के लिए चोकर सहित आटा बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि आंतों को मुलायम रखता है, आंतों में किसी तरह के जख्म बनने नहीं देता है, आंतों में मस्से बनने नहीं देता है, और पाइल्स में बहुत फायदा। दोस्तों हमने देखा है कि जो लोग चोकर सहित आटे की रोटी खाते हैं उनका मोटापा नहीं बढ़ता है, अगर एक्स्ट्रा फैट होती है वो भी गल जाता है, और उनका वजन नियंत्रित रहता है, संतुलन में रहता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बतलाएं। फिर मिलते हैं हम नए नुस्खे के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।